हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए मारुति के शोरूम पे और हमारे पास है मारुति की ब्रेजा। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। तो इसमें केवल अपने को एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो है इसका 1.5 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 101 bhp और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और CNG में भी अवेलेबल है। फ्यूल ऑप्शन की बात करें तो अपने को इसमें दो फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और CNG, और CNG में ये पावर जनरेट करता है 86 bhp और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो इसके डायमेंशन की बात करें तो ये देखिए अपने को 3995 अपने को इसकी लेंथ देखने के लिए मिलती है, और विड्थ की बात करें तो ये देखिए अपने को 1790 अपने को इसकी विड्थ देखने के लिए मिलेगी, और हाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को 1685 अपने को इसकी हाइट देखने के लिए मिलती है, ये देखिए। और इसके वेरिएंट्स की बात करें तो चार वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। और आज जो हमारे पास वेरिएंट है ये इसका बेस वेरिएंट है LXi, CNG में है ये देखिए। और CNG वेरिएंट में CNG की बात करें तो इसमें अपने को तीन वेरिएंट में CNG देखने के लिए मिलेगी, LXi, VXi और ZXi। केवल टॉप वेरिएंट में अपने को CNG अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। प्राइस की बात करें तो ये देखिए अपने को 8.39 लाख से लेकर टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक की प्राइस आती है 14.14 लाख रुपीज एक्सोरूम जयपुर। ये जो भी मैंने प्राइस बताई ये केवल एक्सोरूम प्राइस है, ये देखिए। और आज जो हमारे पास वेरिएंट है इस वेरिएंट की प्राइस है 9.24 लाख रुपीज एक्सोरूम जयपुर, ये देखिए। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को ब्रेजा के बेस वेरिएंट CNG वाले वेरिएंट में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे अपने को सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है क्रोम फिनिश में, ये देखिए। और एक स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगी ग्रे फिनिश में, ये देखिए। और यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट मिलते हैं, स्माइलिंग फेस जैसे देखने के लिए मिलते हैं, ये देखिए। और हेडलाइट की बात करें तो प्रोजेक्टर बेस हेलोजन हेडलाइट देखने के लिए मिलती है अपने को इसमें, ये देखिए। हाई बीम लो बीम अपने को इसी में इंटीग्रेटेड मिलती है, और यहाँ अपने को इसका टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये देखिए। यहाँ पे पार्किंग बल्ब मिलता है, और कोई भी फॉग लैंप अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को इसका टोइंग हुक मिलता है, और ये देखिए फ्रंट बम्पर की बात करें तो अपने को मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलता है, ये देखिए। कोई भी किट प्लेट वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में और देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल। साइड में जाने से पहले एक बार इसकी विंडशील्ड देखते हैं, ये देखिए अपने को इस पे दो वाइपर्स देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं, एरोप्लेन्स अवेलेबल नहीं है इसमें। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका साइड प्रोफाइल। लेंथ इसकी 3995 mm मिलती है। इसके व्हील से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए अपने को इसमें स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं, और इस पे अपने को कवर्स देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ये देखिए। और कंपनी की बात करें तो ये देखिए अपने को MRF का व्हील देखने के लिए मिलता है इसमें। और टायर की प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 15/60 R16 16 इंच का व्हील देखने के लिए मिलता है अपने को इसके बेस वेरिएंट में, और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका सस्पेंशन ट्रेवल, ये देखिए। और साइड में बॉडी क्लेडिंग भी मिलती है अपने को इसमें, ये देखिए। और 198 mm का अपने को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, और ये देखिए अपने को क्लेडिंग काफी थिक देखने के लिए मिलेगी इसमें, ये देखिए। और बॉडी कलर ही अपने को इसमें ORVM मिलता है, ये देखिए। और इसी पे अपने को टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये देखिए। बेस वेरिएंट में अपने को ORVM ही देखने के लिए मिलेगा इसका टर्न इंडिकेटर, ये देखिए। और बॉडी कलर ही अपने को इसका डोर हैंडल देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे की होल मिल जाता है, ये देखिए। और काफी लार्ज साइज की विंडो अवेलेबल है। और बी पिलर की बात करें तो ये देखिए अपने को ब्लैकआउट देखने के लिए मिलता है, और कोई भी क्रोम वगैरह की फिनिश अपने को इसमें अवेलेबल नहीं है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे और चेक करते हैं इसका रियर प्रोफाइल, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका रियर प्रोफाइल। इसके रूफ से स्टार्ट करते हैं, इसके बेस वेरिएंट में ये देखिए अपने को शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्पॉइलर अवेलेबल है, और इसी में अपने को हाई माउंट स्टॉप लैंप इंटीग्रेटेड मिलता है। और रियर विंडशील्ड की बात करें तो ये देखिए आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर अवेलेबल नहीं है इस वेरिएंट में, ये देखिए। और CNG का स्टिकर देखने के लिए मिलेगा अपने को इसमें, ये CNG वाला वेरिएंट है इसका। और आपको मारुति के किसी भी कार से रिलेटेड कोई भी क्वारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर अपने को ब्रेजा की बेजिंग देखने के लिए मिलेगी, काफी अच्छा फॉन्ट मिलता है अपने को इसमें, ये देखिए। यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलेगा। और टेल लाइट की बात करें तो ये देखिए अपने को काफी लॉन्ग टेल लाइट देखने के लिए मिलती है, और काफी शानदार मिलती है। LED टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, ये देखिए। यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर मिलता है, और यहाँ अपने को इसका रिवर्स स्लैम मिल जाता है। और रियर बम्पर की बात करें तो ये देखिए अपने को ये भी मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलेगा, और इसी पे अपने को दो रिफ्लेक्टर मिलते हैं, ये देखिए। और 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है, 1, 2, 3 और ये देखिए 4 पॉइंट अपने को इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब चेक करते हैं इसका बूट स्पेस, यहाँ पर अपने को इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ये देखिए। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे बूट अनलॉक हो जाएगा। और बेस वेरिएंट में अपने को ये देखिए पार्सल ट्रे अवेलेबल है, और यहाँ अपने को इसका CNG का टैंक मिलता है, ये देखिए। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अपने को 60 लीटर्स का इसमें CNG टैंक देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए।
और वैसे बूट स्पेस की बात करें, अगर आपने कुछ सीएनजी वाला टैंक रिमूव करें तो 328 लीटर का आपने कुछ में बूट स्पेस मिलता है, ये देखिए। और सीएनजी के साथ आपने को ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा इसका बूट स्पेस, तो बूट स्पेस अपने को काफी कम मिलेगा, ये देखिए। आप देखते हैं इसका स्पेयर भी, ये भी अपने को सेम साइज का ही देखने के लिए मिलता है, ये देखिए। यहाँ पर अपने को इसके जैक वगैरह देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर। अब इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल, जो कि सेम है राइट हैंड साइड की जैसे। बस यहाँ पे अपने को इसका फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है, जिसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स। और ARI माइलेज की बात करें तो अपने को पेट्रोल में ये 21 KMPL की एवरेज मिलती है, और CNG में अपने को 25 किलोमीटर पर KG की एवरेज देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीरियर, और अंदर जाने से पहले एक बार आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि कैसी कुछ की देखने के लिए मिलेगी अपने को इसके बेस वेरिएंट में। और ये देखिए ऐसी की देखने के लिए मिलेगी जिसमें अपने को केवल लॉक और अनलॉक का स्विच देखने के लिए मिलेगा, कोई भी बूट वगैरह ओपन करने का स्विच नहीं मिलता। मारुति की मोस्ट कार्स में आपने यही वाली की देखी होगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका ड्राइवर साइड डोर, पूरा अपने को मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलता है, कोई भी सॉफ्ट टच अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ टेक्सचर देखने के लिए मिलता है, लेकिन फील नहीं होगा, केवल देखने में आपको ये देखिए टेक्सचर जैसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अपने को इसके बेस वेरिएंट में ये देखिए ऑल फोर पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ORVM में अपने को इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए, और ये पावर विंडोज को लॉक अनलॉक करने के लिए, मतलब सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर, स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे अपने को स्पीकर की प्लेसिंग मिलती है, केवल स्पीकर की प्लेसिंग मिलती है, स्पीकर अवेलेबल नहीं है इसके बेस वेरिएंट में। ये देखिए यहाँ पे अपने को ट्विटर की भी प्लेसिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अपने को इसके बेस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट नहीं मिलता। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, उससे पहले अपन इसकी ड्राइवर साइड सीट देखते हैं। ये देखिए अपने को इसकी ऐसी कुछ मिलेगी इसकी ड्राइवर साइड सीट, अपने को इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए सीट केवल आप रिक्लाइन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं है इसमें। और कुशनिंग की बात करें तो ये देखिए अपने को काफी अच्छी कुशनिंग मिलती है इसमें, ये देखिए काफी लार्ज साइज के सपोर्ट अवेलेबल है इसमें, ये देखिए। और अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए अपने को अंडर थाई सपोर्ट भी अपने को इसमें काफी अच्छा मिलता है, और अपने को फैब्रिक कैपेसिटी मिलेगी, कोई भी लेदर वगैरह इसके बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पे अपने को कुछ कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पे अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आप इसे स्विच कर सकते हैं पेट्रोल या सीएनजी में। यहाँ पे मिलता है हेडलाइट लेवलर, और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका एसी वेंट, ये देखिए पूरा डैशबोर्ड अपने को मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलेगा। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और ये देखिए ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका स्टीयरिंग व्हील, डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके स्टीयरिंग पे अपने को कोई भी कंट्रोल वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलेगा, और ये देखिए अपने को क्रोम फिनिश में एक रिंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर अपने को इसके ये देखिए वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं, राइट हैंड साइड अपने को इसके हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये देखिए। और यहाँ अपने को इसका ऑडोमीटर मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड इसका आरपीएम मीटर मिलेगा जिसमें 8000 तक की मार्किंग मिलती है, ये देखिए। और यहाँ अपने को इसका स्पीडोमीटर मिलता है जिसमें 220 तक की स्पीड मार्किंग मिलती है, ये देखिए। और यहाँ मिलेगी अपने को इसकी MID, इसमें अपने को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अपने इसको टॉगल देखने के लिए मिलेंगे। और ये पेट्रोल और सीएनजी, ये देखिए दोनों की यहाँ पे अपने को वार्निंग मिल रही है, और यहाँ पे अपने को इसका सीएनजी टैंक की वार्निंग दिखाता है कि आपकी गाड़ी में कितना सीएनजी, यहाँ पे अपने को फ्यूल मीटर दिखाता है, ये देखिए। और टोटल किलोमीटर ट्रिप वन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सारी इन्फॉर्मेशन लगभग अपने को इसमें शो हो जाती है, देखिए। और ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा अपने को इसका डैशबोर्ड, ये देखिए पूरा मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं इन्फोटेनमेंट वगैरह। उससे पहले ये देखिए यहाँ पर अपने को स्टोरेज स्पेस मिलता है, एसी वेंट, हजार लाइट का स्विच, और ये देखिए यहाँ पर अपने को इसका मैनुअल एसी मिलेगा, इसके बेस वेरिएंट में अपने को मैनुअल एसी मिलता है, ये देखिए। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, और यहाँ पे मिलता है अपने को 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, कोई भी यूएसबी पोर्ट वगैरह अवेलेबल नहीं है इसमें। यहाँ पर अपने को इसका 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ मिलता है अपने को इसका ग्लव बॉक्स, ये देखिए काफी लार्ज साइज का ग्लव बॉक्स अवेलेबल है इसमें, ये देखिए काफी ज्यादा सामान आप इसमें रख सकते हैं। दो कप होल्डर मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, कोई भी आर्मरेस्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ इसका हैंड ब्रेक मिल जाता है, ये देखिए। यहाँ पर अपने को इसका सनसेट देखने के लिए मिलेगा, कोई भी इसमें वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इसका IRVM मिल जाता है, ये देखिए, जिसको आप डे नाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैन्युअली। और यहाँ पे को पैसेंजर के लिए इसमें भी अपने कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें अपने को ABS, EBD, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील असिस्ट जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं इसी सीट को मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ, फिर चेक करते हैं इसका रियर सीट स्पेस और कंफर्ट। और स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए अपने को स्टीयरिंग टिल्ट, केवल टिल्ट के लिए अवेलेबल है, टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। अब इसको बंद करते हैं, चलते हैं रियर सीट पे।
और ये देखिए ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका रियर डोर, ये देखिए पूरा मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अपने को पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे डोर को ओपन करने के लिए लीवर आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बोतल होल्डर और स्पीकर की प्लेसिंग, स्पीकर अवेलेबल नहीं है। और ऐसी कुछ मिलती है अपने को इसकी रियर सीट, ये देखिए तीन लोग काफी आराम से बैठ सकते हैं इसमें, और दो अपने को ये देखिए सीट बेल्ट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कोई भी अपने को हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है इसमें, ये देखिए। अब चेक करते हैं इसका स्पेस, बैठते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका स्पेस। ये वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और स्पेस की बात करें तो ये देखिए मेरे को इसमें 2 इंच के अप्रोक्स लेग रूम मिल रहा है, और हेडरूम की बात करें तो ये देखिए 3 से 4 इंच के अप्रोक्स मेरे को इसमें हेडरूम मिल रहा है, तो स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है अपने को ब्रेजा में, ये देखिए। और बेस वेरिएंट में अपने को ये देखिए रियर एसी वेंट मिलते हैं, और इन्हीं को यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए। और कोई भी अपने को 12 वोल्ट का पावर सॉकेट वगैरह अवेलेबल नहीं है इसकी बेस वेरिएंट में। और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका इंटीरियर, ये देखिए पूरा मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलता है इसका डैशबोर्ड, ये देखिए मैट ब्लैक में, यार वैसे थोड़ा स्पोर्टी सा लगता है, ये देखिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल लेते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।